मेरे लाइसेंस का क्या हुआ शुक्ला जी? कौन है आप? मैं पप्पू पांडे, स्टैंडिंग एमएलए पप्पू पांडे का भतीजा। लाइसेंस बना क्या? अरे आपको लाइसेंस की क्या जरूरत है पप्पू भैया, आप तो चलते फिरते लाइसेंस। लाइसेंस तो चाहिए भाई। काहे बंदूक खरीद लिया क्या? अरे बहुत तो 5 साल पहले खरीद लिया भाई। तो लाइसेंस बनवाने अब आ रहे हैं? देखिए अपना ऐसा ही है, गाड़ी चलाने के 5 साल बाद उसका लाइसेंस लिया, दारू बेचने के 8 साल बाद उसका लिया, अफीम बेचने के 10 साल बाद उसका, आज तक नहीं लिया लाइसेंस, दे दो। पप्पू भैया लाइसेंस है, कोई पान का बीड़ा नहीं कि भैया डोटो बनारसी पान दे दो, समय लगता है, थोड़ी फॉर्मेलिटी होती है, थोड़ा वक्त लगेगा भाई साहब। ठीक है, 1 घंटे में खाना वाना खा के आते हैं, बना दीजिएगा। 1 घंटे में तो लाइसेंस का एल भी नहीं बनेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, 1 महीना 30 दिन। क्या बोला 30 दिन? गलती से बोल दी, आपका तो लेके जाइए, आप यूं लेके जाइए। नहीं, अभी आपने 30 दिन बोला भाई। अरे वो तो दिन खराब चल रहे हैं बीबी की कृपा से, 30 दिन भैया 30 मिनट में बना देंगे। क्यों भाई चुनमुन? जी ठाकुर साहब। नहीं बनता है ना बंदूक का लाइसेंस? जी ठाकुर साहब। ठीक से सोच समझ के बता दो, कल वहाँ पे आरटीओ ले गए थे तुम लोग, मुझे 2 नाली की बजाय 2 व्हीलर का लाइसेंस बना के दे रहे थे। अरे नहीं नहीं ठाकुर साहब, वो तो गलती से चले गए थे, बंदूक का लाइसेंस यहीं बनता है। अरे तो उसके लिए करना क्या है? खोया हुआ लाइसेंस वापस बनवा लेते हैं। तो कैसे बनवाएं? पहले कैसे बनवाया था? पहले तो पिताजी ने बनवाया था, पिताजी ने तो 5 खून किए थे, तो सरकार ने खुद ही आके उनको लाइसेंस दे दिया और कहा कि देखो ठाकुर साहब आप कत्ल करोगे बिना लाइसेंस के तो वो जुर्म होगा। आप पिताजी ठहरे ठाकुर, तरस आ गया, रख लिया लाइसेंस। तो आप क्यों आए? आप भी तो ठाकुर हैं। अरे भाई मैंने 5 खून नहीं किए हैं ना। तो करते फिर वो खुद आते। बात तो तेरी ठीक है, लेकिन अब आ गए हैं तो चले चलते हैं, क्योंकि ठाकुर का धर्म है कदम आगे बढ़ाना पीछे नहीं, इसलिए चले चलो। तो आगे कहाँ बढ़ना है? आओ चलो। हाँ भाई बोलो, किससे बनवाना लाइसेंस? ठाकुर साहब इस आदमी से पूछ लेते हैं, लगता है यहाँ का अफसर है, बहुत मोटा है। हाँ तो जाओ उससे बोलो, ठाकुर साहब बात करेंगे। ए, ए सुन, ए सुन, ए सुन, ठाकुर साहब आए हैं। ए ठाकुर साहब आए हैं। ठाकुर साहब ये तो सुनता ही नहीं। मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे मत लूटो डाकू साहब। डाकू नहीं, ठाकुर हूँ, ठाकुर मुसद्दीलाल सिंह। तो क्या मेरे समोसे लूटने के लिए आए हो? समोसे लूटने के लिए नहीं आया। तो फिर क्या लूटने के लिए आए हो? बंदूक का लाइसेंस बनवाने के लिए आया। अरे आपके पास ऑलरेडी एक बंदूक है तो सही। तो लाइसेंस बनवाना है ना? तो बिना लाइसेंस के बंदूक लेके घूम रहे हो? बात ये नहीं है, बात ये है कि 2 दिन पहले हम शिकार करने के लिए गए थे, वहां पे शिकार करते करते हमारा लाइसेंस गिर गया। अच्छा जंगल शिकार? हाँ। क्या क्या मारा, चीता शेर या हिरन? इस तरह की चीजें हम नहीं मारते हैं, गैर कानूनी चीजें, हम ठाकुर हैं। हमने क्या मारा भाई, 2 मुर्गियां मारी और 3 कबूतर। कहाँ क्या खा गए ये लोग? ठाकुर साहब आपने बुलाया नहीं दावत में। दावत? हाँ 3 मुर्गियां मारी, कबूतर मारे, दावत तो बनती है ना, बुलाते तो हमको। ठाकुर ठाकुरों के साथ दावत करते हैं, लाइसेंस दे दो। अरे आप एक चीज बताइए कि आप जो है मुर्गियां लाइसेंस से मारते हैं? नहीं बंदूक से मारते हैं। तो फिर मुर्गियां कबूतर मारी है, खुद भी खाई है, हमें भी खिलाई है, लाइसेंस की क्या जरूरत है? हमारा नाम ठाकुर मुसद्दीलाल सिंह है, हम कोई भी काम गैर कानूनी नहीं करते हैं, लाइसेंस दे दो। हाँ हाँ तो ठीक है, उसके लिए आप एक काम करो, आप पटेल साहब से मिल लो। ये पटेल कौन है? ये पटेल साहब ही हैं जो लाइसेंस रिन्यू करते हैं। हाँ पटेल से बोलो ठाकुर साहब से आके मिले। आप आए हैं तो आप ही मिल लीजिए, वैसे पटेल साहब अच्छे आदमी हैं। तुम्हें पता है हमारे पिताजी के पास लाइसेंस नहीं था, 5 खून किए उन्होंने, तो लाइसेंस वाले भागे भागे उनके पास आए कि ठाकुर साहब लाइसेंस लेके खून करो, ठाकुर साहब लाइसेंस लेके खून करो। ठाकुर साहब, पटेल साहब लिखे ठाकुर साहब। हाँ ठाकुर साहब आपने तो 5 खून भी नहीं किए हैं। हाँ वैसे भी जमींदारी तो अब रही नहीं हमारी। ठीक है आपका लाइसेंस खो गया है? जी हाँ। किसके नाम का था लाइसेंस? पिताजी के नाम का। पिताजी का क्या नाम था? ठाकुर मुसद्दीलाल सिंह सीनियर। लाइसेंस कब बना था? लाइसेंस कब बना था भाई, उसी साल बना था ना भाई जिस साल पिताजी ने वो जरनैल सिंह का खून किया था। हाँ ठाकुर साहब उसी साल जिस साल गांव में सूखा पड़ा था। सूखा तो हर साल पड़ता है ठाकुर साहब। जिस साल बब्बन पहलवान और छक्कन पहलवान का दंगल हुआ था ना,
उसी साल मारा था। हाँ हाँ, दंगल वाले साल ही तो मारा था। दंगल की वजह से ही तो पिताजी ने जरनैल सिंह के साथ दंगल किया था। तो बस ये समझ लीजिए कि उसी साल बना था जिस साल दंगल हुआ था। That's nice, but दंगल कब हुआ था? जिस साल बना था? किस साल? जिस साल दंगल हुआ था। पर साल तो बोलिए। बोला ना जिस साल दंगल था, समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी क्या? आ रहा है पर क्या ना, हम अपने रिकॉर्ड्स में साल लिखते हैं 1980, 1982, 1982, मतलब हम ये नहीं लिखते कि छक्कन और बब्बन का दंगल कब हुआ था। तो साल क्यों नहीं लिखते भाई, क्यों नहीं लिखते? अब हम कहां से पता करें? वो पता करना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना फाइल निकलेगी नहीं भाई। चलो क्या करें। ठाकुर साहब, जिस साल ब्रह्मदत्त का लड़का पैदा हुआ था ना, दंगल उसी दिन तो हुआ था। तभी तो उसका नाम दंगल पांडे रखा था। अरे हाँ ठीक है पटेल साहब, कोई बात नहीं, हम ब्रह्मदत्त से पूछ लेते हैं। मैं क्या कह रहा था कि आप ये लाइसेंस भूल जाइए ना, विदाउट लाइसेंस ही धड़ाधड़ गोलियां चलाइए। लाइसेंस कहाँ कोई देखने आ रहा है? अगर कोई आ गया तो बंदूक दिखा देना, भाग जाएगा। मेरा नाम ठाकुर मुसद्दी लाल सिंह है, मैं कोई काम गलत नहीं करता हूँ, साल पता करके आऊंगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन सब कुछ पता करके आइए, वरना तब तक मैं क्या उषा जी से कहकर आपकी फाइल निकलवा के रखता हूँ। यहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं। मिली नहीं? ढूंढ रही हूँ। तो ये भी पता चल गया है कि 1972 का लाइसेंस था। तो ढूंढ रही हूँ ना। अरे ऐसे थोड़ा ढूंढते हैं, तुम तो यहाँ खड़ी खड़ी मसाला पीस रही हो, ऐसे थोड़ा ही मिलेगी। तो कैसे मिलेगी? ये भी बताना पड़ेगा कि कैसे मिलेगी। ये देखो 1981 लिखा हुआ और ये 1978 है, ये ऐसे ढूंढते हैं। यही तो, फिर ढूंढना, मैं अभी आती हूँ। इधर इसे पकड़ो और हाथ हिलाते रहो, मैं अभी आई। 2001 की है ये, यहाँ भी नहीं है। क्या हुआ मिली भाई? अरे कहाँ, सुबह से रात हो गई लेकिन अभी तक फाइल नहीं मिली है, और बाकी सारी मिल रही है, 1972 की नहीं मिल रही है। यही तो, सरकारी रिकॉर्ड में हर फाइल मिलती है पर वही नहीं मिलती जो चाहिए होती है। तो क्या करें? ठाकुर साहब, अब लाइसेंस खो गया तो जाने दीजिए ना। अरे ऐसे कैसे जाने दें, मेरे पिताजी ने 5 खून करने के बाद हासिल किया था, सरकार ने खुद आके दिया था लाइसेंस उनको। तो आप भी 5 खून कर लीजिए ना, अपने आप लाइसेंस मिल जाएगा। अरे क्या कह रही? यही तो। अरे ऐसे नहीं, मैं लाइसेंस के बिना बंदूक नहीं रखूंगा, कोई आ गया कल को तो बंदूक दिखा देना, लाइसेंस कोई नहीं देखेगा। लाइसेंस तो मुझे बंदूक का चाहिए ही, और कल तक अगर मुझे फाइल नहीं मिली ना तो क्या है, परसों आके फिर से ढूंढेंगे हम लोग, और क्या है। मनु फाइल यहाँ होगी तो मिलेगी ना, मैंने तो पहले ही निकाल के रखी है, पूरे साल भर का मसाला कुटवाऊंगी तब जाके फाइल दूंगी। एक हफ्ता ढूंढने के बाद मिला है 1972, देखो पिताजी का नाम लिखा है, मुसद्दीलाल सिंह सीनियर। ठाकुर मुसद्दीलाल सिंह सीनियर, ठाकुर सीनियर। लेकिन ये तो 1972 में बना था, तो आपका लाइसेंस तो एक्सपायर हो चुका था। एक्सपायर क्या होता है? एक्सपायर मतलब वो नहीं पता आपको? हमें तो सिर्फ फायर पता है। करूं? नहीं, फायर मत कीजिए, एक्सपायर कीजिए। मतलब एक्सपायर का मतलब है अवधि समाप्त हो चुकी है, तो आपको नया बनवाना पड़ेगा, 2000 रुपए लगेंगे। क्या? हाँ। अच्छा, उसके लिए करना क्या होगा? वो आप शुक्ला जी से मिले ना, वो पूरी डिटेल में बता देंगे आपको। लाइसेंस तो बना देगा ना? हाँ, बना देगा ना, आपका तो 100% बना देगा। ये थोड़ी बंदूक उस तरफ, एक्सक्यूज मी। हाँ शुक्ला, वो वहाँ सामने बैठे ना, पान थूक रहे, वही है शुक्ला। नाम को बकाया आपने? पान थूक? हमारे सामने पान खाता है? ठाकुर मुसद्दीलाल सिंह के सामने पान खाता है? पान थूक? हमारे पान पर प्रॉब्लम क्या? अरे भरे मुंह से बात करेगा हमसे? देखिए भैया, कान मेरे खाली और आजकल हम कान से सुनते हैं। पान थूकता है या गोलियां खाली कर दूं? हो गया थूक। अरे पी गए महाराज, कितना डराते हैं आप, काम बोलिए। 1972 में हमारे पिताजी ने बंदूक का लाइसेंस बनवाया था, वो खो गया, तो बस जाके पटेल साहब से रिन्यू करा लीजिए। पटेल साहब कहते हैं कि हमारा लाइसेंस फायर हो गया। फायर नहीं हुआ होगा, एक्सपायर हो गया होगा। हाँ वही हो गया, तो लाइसेंस बना दो। बंदूक की जरूरत कौन है आपको? अपनी सुरक्षा के लिए। तो क्या बंदूक में लाइसेंस भर करके फायर कीजिएगा? दिन में जाके टीटर बटर मारते रहिए, हो गया। नहीं नहीं, कोई अगर पता करने के लिए आ गया तो बंदूक दिखा दीजिएगा, जीवन भर लाइसेंस देखने नहीं आएगा। देखिए हम ईमानदार ठाकुर हैं, लाइसेंस के बिना बंदूक नहीं चलाएंगे। व्यक्ति बताइए, आपके पिताजी ने बंदूक खरीदने के बाद लाइसेंस बनवाया था? नहीं नहीं, उन्होंने तो ऐसे ही ले लिया था, पहले 5 खून किए। उन्होंने कुक्कड़ सिंह को मारा, नुक्कड़ सिंह को मारा, दुर्बल सिंह को मारा,
जंग बहादुर को मारा, उसके बाद जरनैल सिंह को मारा। पांच खून जब हो गए तो लाइसेंस वाले उनके पास आए कि लाइसेंस लेके खून कीजिएगा। तो मेरे पिताजी तो कभी सरकारी दफ्तर आए नहीं थे। आप कहाँ गए? पांच खून नहीं किए ना, तो जाकर के कर दीजिए ना। मगर आप लाइसेंस की क्या जरूरत है? लाइसेंस के बिना हम कुछ नहीं करेंगे। मतलब खुद भी परेशान होंगे, हमको भी परेशान करेंगे। मतलब कुछ नहीं, फार्म भर दीजिए बस। अरे अगर हम पढ़े लिखे होते तो तुम्हारी जगह बाबूगिरी कर रहे होते। हम बोलेंगे, तुम लिखो। नाम बोलियो। ठाकुर मुसद्दीलाल सिंह। उम्र बोलियो। यही 55-56 होगी। अब पहाड़ा मत पढ़ने लगे, एक डेट बताइए, किस दिन टपके थे? टपके थे? ना, गलती हो गई। आप ये बताइए महाप्रभु, किस दिन आपने अवतार लिया था? अच्छा हाँ, ये ठीक है, कोई फागुन का महीना था। कहते हैं कि मेरी माँ के मुंह से अभी लाल और हरा रंग उतरा भी नहीं था, पिताजी के मुंह पे भी लाल रंग अभी लगा ही हुआ था। तो कोई 1-2-3 हाँ, होली के 3 दिन बाद। हाँ तो समझ लीजिए, होली के 3 दिन बाद। 1757 1857 1957 कौन सी होली के दिन? अब ये सन तो याद नहीं है। तो फिर क्या करें? होली के 3 दिन बाद। आपको एक भाषा, आपको लाइसेंस की जरूरत क्या है? इतने आतंकवादी घूम रहे हैं, आप भी घूमिए ना जाकर। क्या क्या कह रहा है यार? देखिए आप ऐसा कीजिए कि जाकर के पांडे जी से मिल लीजिए, वही आपकी समस्या दूर करेंगे। ये कौन है? ये हमारे बड़े साहब है, उनके परमिशन के बगैर हम किसी को फॉर्म नहीं देते जिसको ये ना पता हो कि पैदा कब हुए थे। कौन कहता है कि हमें नहीं पता हम कब पैदा हुए थे? कब पैदा हुए थे बताइए ना आप। लिखो ना, होली के 3 दिन बाद। आप जो है ना एकदम पान खा रहे तुम हमारे सामने। अरे आप इतनी देर से हमारा दिमाग खा रहे हैं, पान भी ना खाए तो लाइसेंस दे दो उनको। भैया नाम क्या है तुम लोग का? चुन मुन। उनको बताओ, इनको पांडे जी के पास लेके जाओ, वो बड़े अफसर हैं, उनके परमिशन के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। हम गरीब आदमी है, मैं नौकरी का सवाल है। हाँ ठाकुर साहब, बड़े साहब से जाल के बात करते हैं। हाँ ठाकुर साहब, आप इस छोटे आदमी से बात करते हुए अच्छे नहीं लगते। अच्छा चलो ठीक है, फिर बड़े साहब से मिलते हैं। कब मिलेगा बड़ा साहब? होली के 3 दिन बाद। अच्छा क्या? सामने बैठे हुए, चल जाइए आप। बोलिए क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहिए आपको? लाइसेंस बनवाना है। किस चीज का? स्कूटर का। अरे बंदूक का लाइसेंस बनता है इधर? अरे तो जब पता है तो पूछ क्यों रहे हैं? दिमाग खराब कर रखा है, 15 दिन से यहाँ पे चक्कर लगा रहा हूँ मैं। कब मिलेगा लाइसेंस मेरा? इसका मतलब आज तक आप बिना लाइसेंस की बंदूक लिए घूम रहे हैं? नहीं, लाइसेंस तो था मेरी बंदूक का, लेकिन जंगल में खो गया। जंगल में क्या करने गया लाइसेंस? लाइसेंस नहीं गया था, मैं गया था। फिर यहाँ पे बनवाने के लिए आया तो कहने लगे वो क्या कहते हैं फायर एक्सपायर हो गया। तो नया बनवाइए। तो नया तो बनवाना चाहता हूँ, पर शुक्ला को मेरे जन्म की तारीख पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। कब पैदा हुए थे आप? होली के 3 दिन बाद। कौन से सन की होली? अब सन नहीं याद मुझे। अरे तो ऐसे कैसे बन जाएगा आपका लाइसेंस? अरे तो क्यों नहीं बनेगा भाई लाइसेंस, मेरे पिताजी का भी ऐसे ही बन गया था, उनको भी अपना जन्मदिन नहीं याद था। कैसे बन गया था उनका? उनका ऐसे बन गया था कि उन्होंने 5 खून किए थे, फिर सरकार ने आके खुद ही उनके हाथ में लाइसेंस थमा दिया। आपने कितने किए? मैंने एक भी नहीं किया है। इसीलिए आपको तकलीफ हो रही है? मैं तो कहता हूँ आप लाइसेंस के चक्कर में मत पड़िए, ऐसे ही बिना लाइसेंस की बंदूक लेके घूमिए। और कोई पूछने के लिए आए तो उसको बंदूक दिखा दूं? आपको तो सब पता है। मैं ईमानदार ठाकुर हूँ, मैं बिना लाइसेंस के बंदूक नहीं रखूंगा। देखिए बिना जन्म की तारीख के मिलना मुश्किल है। नहीं मुश्किल नहीं, संभव है। उसके लिए जन्म तारीख का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, खर्चा आएगा 5,000। घूस मांग रहे हो मुझसे? घूस नहीं मांग रहा हूँ, जन्म तिथि प्रमाण पत्र बनाने की फीस मांग रहा हूँ। अच्छा फीस मांग रहे हो, तो फीस तो यूं दे देंगे, ये लो 5,000 रुपए। ठीक है मैं कल ही आपको पैदा करवा देता हूँ। ठीक है क्या? नहीं मतलब जन्म तिथि की तारीख का सर्टिफिकेट बनवा देता हूँ। भाई वाह, भाई वाह, बहुत बहुत मुबारक हो ठाकुर साहब, आप 19 मार्च 1947 को पैदा हुए थे। अच्छा मिठाई बनती है। किस बात की? पैदा होने की। तो 19 मार्च 1947 को पैदा हुए थे ना? लेकिन पता तो आज चला है ना, इसलिए मिठाई बनती है। हाँ भाई बात तो ठीक कर रहा है, चल ठीक है। ले भाई कहाँ गया, ये ले 5 रुपए का लड्डू ले आ। क्या ठाकुर साहब, इतना बड़ा ठाकुर पैदा हुआ और 5 रुपए की मिठाई, फुल पार्टी बनती है क्या? हाँ ठाकुर साहब, वो सिंगाड़ा सिंह तो अपने पैदा होने के दिन नौटंकी बुलवाता है। अच्छा ये बात है, तो ठीक है भाई कल आ जाओ, कल नौटंकी बुलवाते हैं। नौटंकी खा नहीं सकते ना, आप एक काम करो, आप 500 रुपए दे दो, हम अपनी नौटंकी खुद कर लेंगे। अच्छा ठाकुर साहब दे दीजिए, सस्ते में छूट जाएंगे, वरना नौटंकी में 10-12 हजार रुपए लग जाएंगे। अच्छा हाँ नहीं ठीक है, लो भाई लो तुम 500 रुपए ले लो। और ये बताओ मेरा लाइसेंस कहाँ है? हाँ लाइसेंस तो क्या है कि आपके जो पेपर्स हैं वो पूरे नहीं है, राशन कार्ड चाहिए। कभी बनवाया ही नहीं। वोटिंग कार्ड कभी बनवाया ही नहीं। विजिटिंग कार्ड
कभी बनवाया ही नहीं। पोस्ट कार्ड कभी बनवाया ही नहीं। अरे तो कोई कौन सा कार्ड है आपके पास? भाई वो प्रताप सिंह की लड़की की शादी का कार्ड है मेरे पास। शादी का कार्ड? हाँ, वो कल आया था, अगले महीने उसकी बेटी की शादी है, तो वो कार्ड दे गया था, घर पे रखा हुआ है। ठीक है ठीक है, वही दे दो, हम उससे ही काम चला लेंगे। ठीक है, तो वो दे देंगे हम कार्ड। चलो भाई चुनमुन, अच्छा एक बात बताओ कि तुम उस कार्ड का करोगे क्या? दावत में जाएंगे। अच्छा, पर मेरा लाइसेंस? वो तो पटेल साहब देंगे ना। चल भाई पटेल से पूछते हैं, लाइसेंस बना के नहीं? बना ही रहे हैं, बना रहे हैं। अरे कब तक बनेगा? भागड़ा नंगल डैम है क्या? चार महीने हो गए यहाँ पे आते हुए, पागल सा कर रखा है हम लोगों को। आप लोगों ने क्या बना के रहे हैं? आपको है क्या? आपका आपका लाइसेंस। तो कितना टाइम लगेगा? वो क्या है ना, पेपर्स पूरे नहीं है, फिर भी मैंने मामला बढ़ा दिया है और ऊपर तक गया है, इंक्वायरी होगी और फिर बस बन जाएगा। अरे तो पिताजी की तो कोई ये कौन सा क्या बोल रहा है, इंक्वायरी नहीं हुई थी? हाँ, उन्होंने तो पांच खून किए थे ना। हाँ, कुक्कर सिंह को मारा था, जर्नैल सिंह को मारा था। आई नो बाय हार्ट, लेकिन मुझे तो बंदूक का लाइसेंस चाहिए भाई। देखिए ठाकुर साहब, आप मेरी बात अब भी मान लीजिए, लाइसेंस के चक्कर में मत पड़िए, वरना दो बातें हो जाएगी, या तो आपका लाइसेंस बनेगा या तो नहीं बनेगा। लाइसेंस नहीं बनने का तो सवाल ही नहीं उठता, और बन गया तो दो बातें होगी, या तो आप बंदूक चलाओगे या तो नहीं चलाओगे। नहीं चलाई तो ठीक, लेकिन चला दी बंदूक तो दो बातें होगी, या तो आप हिरण को मारोगे या तो वह आदमी को मारोगे। हिरण को मारा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, और आदमी को मारा तो दो बातें होगी, या तो उम्र कैद होगी या तो फांसी होगी। उम्र कैद हुई तो भी ठीक, लेकिन फांसी हुई तो क्या लाइसेंस को साथ ऊपर लेकर जाओगे? बोलो ठाकुर। बात तो तुम ठीक कर रहे हो भाई, लेकिन लाइसेंस तो मुझे चाहिए। मैं लाइसेंस के बिना मुर्गी नहीं मार सकता हूँ। तुम आदमी की क्या बात कर रहे हो, तो बता दो कब दोगे लाइसेंस? कल आ जा। कल? हाँ कल। कल वाला कल ना? हाँ कल वाला कल। जो बीत गया कल, वो वाला कल तो नहीं? नहीं नहीं, आने वाला है वो वाला कल। कल लाइसेंस दे देना, वरना लाइसेंस लेना मुझे आता है। चलो चुनमुन। क्या सनकी आदमी है, रिश्वत तो देता नहीं है, धमकी देते रहता है। हाथ में बंदूक लेके अपने आप को तिस्मार खसवाने लग गया। ये इस बात को नहीं जानता कि हम बिना बंदूक के भी आदमी को मार सकते हैं। क्या गले से कह देते कि लाइसेंस का 200,000 लगेगा। दो दो गोली देगा, बता रहा हूँ। मैं नहीं खाऊंगा। मैं क्यों खाऊंगा, मैं तो बोल दूंगा कि मेरा व्रत है। हाँ, 200,000 रुपए लगेंगे लाइसेंस बनवाने के। देखिए ठाकुर साहब, डर के मारे अभी तक हम आपसे कुछ बोल नहीं रहे थे, इसलिए अब साफ साफ शब्दों में बता दूं, बगैर 200,000 रुपए दिए आपका लाइसेंस नहीं बनेगा। कोई और तरीका नहीं है? है ना, ऐसे बंदूक लेके घूमा। तो लाइसेंस मांगने आए तो बंदूक दिखा देना। अच्छा, तो तुम ठाकुर मुसद्दीलाल सिंह को बेईमानी सिखा रहे हो। मैं तुम लोगों को 200,000 रुपए नहीं दूंगा, मैं तुम लोगों को गोली दूंगा। मैंने पहले ही कहा था ठाकुर साहब, मैं आज नहीं खा सकता हूँ, क्योंकि आज मेरा बुधवार का फास्ट है। मैं तो तुम लोगों को बता दूंगा अभी। देखिए ये खाली बंदूक दिखा के हमें डराइए मत। अच्छा, बंदूक खाली है मेरी? ठाकुर की बंदूक कभी खाली नहीं रहती, हमेशा भरी रहती है। लेकिन अब तो खाली हो गई ना। अच्छा, अब खाली है? शर्ट लगा लीजिए, अभी भी खाली है। अच्छा खाली है, अब खाली हो गई है। आपका लाइसेंस बगैर 200,000 रुपए दिए नहीं बनेगा। ठाकुर मुसद्दीलाल सिंह के साथ किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की है? मेरे पिताजी के साथ एक बार जर्नैल सिंह ने बात की थी, इतना पूछा भर था। ठाकुर साहब टाइम क्या हुआ, गोली मार दी थी पिताजी ने। अब मैं तुम पांचों लोगों को गोली मारूंगा, 200,000 रुपए नहीं दूंगा, समझ गया रखा है तुम लोगों को? पकड़ो, एक को नहीं छोड़ूंगा मैं। पकड़ लिया। अरे पकड़ो मत मुझे, मेरे पास बंदूक है। तुमने सरकारी ऑफिस के अंदर गोली चलाई है? सरकारी कर्मचारी को मारने की कोशिश की? मैं बिना लाइसेंस के बंदूक से। यही तो। अरे इससे अच्छा तो मैं बिना लाइसेंस के बंदूक वाला था, मैं बिना वजह यहाँ पे आया। तुमने तो पहले कहा था मत बनाओ। कोई लाइसेंस मांगने आए तो बंदूक दिखा देना। वो डर के भाग जाएगा। पर तुम्हारी समझ में कहाँ आया? अरे चुनमुन, हमारी समझ में ये बात क्यों नहीं आई? आप ठाकुर हो ना, इसलिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.